प्रयागराज में गंगा सेना और स्थानीय लोगों ने मिलकर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम को साफ सुथरा बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत और सावन के महीने में गंगा को स्वच्छ रखने के लिए विशेष अभियान में बड़ी संख्या में गंगा सेना से जुड़े लोग और स्थानीय जनता शामिल हुई। रविवार को व्यापक स्तर पर उन्होंने संगम की सफाई की। इस अभियान में संगम के घाटों पर पड़ी पॉलीथीन व कूड़ों की सफाई की और झाड़ू लगाई। देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और जो भगवान शिव के भक्त हैं वो लोग गंगा जी से जल ले जा कर के अलग अलग स्थानों पर जहां उनकी आस्था होती है वहां पर शिव जी को चढ़ाते हैं। ऐसे में गंगा के तटों पर फैली गंदगी को हम लोग साफ कर रहे हैं और गंगा सेना की तरफ से ये प्रयास रहता है, हमारे सब युवा साथी हम लोगों के साथ हैं, हम लोग प्रत्येक रविवार को, लगभग 10 वर्षों से प्रत्येक रविवार को हम लोग गंगा तटों की सफाई करते हैं और गंगा के तट पर जो भी फूल माला पन्नी कपड़े अपवित्र लोग फेंके रहते हैं हम लोग उसको हटाते हैं। यहाँ पर सफाई अभियान में मौजूद लोगों ने सफाई को लेकर जागरूकता की शपथ भी ली। अहम यह है कि अभियान में हर वर्ग समुदाय के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं, स्कूल कॉलेजों के बच्चे, सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारी, वकील और संगम पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों व नाविकों को भी जोड़ा गया। आज संगम क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कूड़ा निकाला गया। इसके अलावा संगम पर आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा की सफाई के लिए जागरूक भी किया गया।